मम्मी जी हाँ मैं जाऊं किथे मम्मी जी काम करना है अरे टाइम कितना हो गया तेनू अजे तो घंटा नहीं होया चल चल एक मिनट लगी अभी ना मम्मी जी मैं क्या कह रही थी चिंटू की ना शादी करवा देते हैं मुझे भी कपैन चाहिए होती है ना किचन में कपैन वो क्या होता है भाभी वो कंपाइन नहीं होता कंपनी होता है ओ बराबर वही कह रही थी कि इसकी ना शादी करवा देते हैं किचन में काम करने वाली आएगी घर का काम करने वाली आएगी अगर काम वाली को 2 रुपए ज्यादा दे दिया करो झाड़ू पोछा कर दिया करेगी पैसे देकर तो राजी नहीं काम वाली को वापस मैंने क्या किया ये बुढ़िया सारा ऊपर ही लेके जाएगी ठीक है तुम क्या बोल रही है तुम मेरी माँ को मेरा मतलब शाही पनीर कढ़ाई पनीर मलाई कोफ्ता सब कुछ मैं बनाऊंगी आपके लिए अगर चिंटू की शादी होगी और आने वाली बहू सिर दर्द होगा तो सिर दबाएगी पेट दर्द होगा तो पेट दबाएगी अगर गला दर्द होगा तो वो भी दबाई देगी क्या बोले गला दबाएगी तो मतलब गोली दे देगी गले की ये सब तो ठीक है भाभी बट मैं शादी नहीं कराऊंगा मैंने आपका हाल देख ही लिया अगर तू शादी नहीं करवाएंगे ना मैं जा रही हूँ अभी जहर खाने रसोई में ऊपर पड़ी है कबड़ में खा लो जाकर अरे मेरा मतलब मैं जहर नहीं मम्मी जी जहर ले लेंगी मैं क्यों मैंने क्या बोला चिंटू प्लीज शादी करवा लेना तुझे पता ना मैं कितनी मैं नहीं कराऊंगा शादी प्लीज मैं नहीं कराऊंगा एक बार लड़की को देख ले नहीं मैं नहीं देखनी चिंटू प्लीज चल जे आप इतना कहते हैं तो करा लेंगे फोटो ले आओ फोटो नहीं अब से रिश्ता ही पक्का होगा The next day देखो जी मेरी बहन है क्या सिंपल बस इसको शॉपिंग का शौक है हे शॉपिंग का शौक है चल हट नहीं बहू ओ मेरा मतलब विशाली अच्छा बताओ कहाँ कहाँ से शॉपिंग करते हो एक्चुअली ना शॉपिंग का शौक मेरे को भी है मैं शॉपिंग करती हूँ ज़ारा H&M पैंटालूंस मैडम और शूज तो मेरे एडिडास प्यूमा के होते हैं एंड बैग्स तो मेरे प्रादा के होते हैं अच्छा ये सब लेडीज टेलर है कोई नए शहर में ओह माय गॉड मॉम इनको तो ब्रांड्स के बारे में भी नहीं पता कक्का पेंड जी कुड़ी सानू पसंद है चलो रिश्ता पक्का हो गया चल चिंटू केएफसी में गोलगप्पे खाने चलते हैं केएफसी में तो पर चिकन मिलता है ना अरे नहीं जी नहीं ये काका फ्रूट चाट है ना यहाँ पे बड़े अच्छे गोलगप्पे मिलते हैं वैसे आप कौन से केएफसी की बात कर रहे थे जी बेटा ने ब्रांड का नहीं पता ये तो 5 रुपए की लिपस्टिक लांदी है क्या बात कही आपने चलो आंटी मैं ना गिलास रख के आई सर ए आंटी किसको बोला आंटी आप मैं स्वीट 30 हूँ हाय शुक्र है इतना भारी दुपट्टा आई
can't take this anymore. हवा, ओ मेरा दिल मचल रहा था इतने heavy heavy कपड़े. चलो आज नई बहू से कुछ मीठा बनवाती हूँ. नई बहू? हाँ जी. हाय दैया, तू कैसे आ गई? हमारे घर में पल्लू लेते सिर पे पल्लू. मेरी तो किस्मत ही टूट गई. चलो कोई बात नहीं, तेरा दूसरा दिन है ना, ये सब कुछ मैं ही सिखा दूंगी. एक मिनट रुक. What the hell is this? ले पल्लू ले सिर पे पल्लू, कोई देख लेगा तो. Oh my God, it's too heavy. और सुन मेरी बात, मेरी बात सुन. तेरी नई नई शादी हुई है ना इस घर में, तो जा मेरे लिए हलवा बना के लेके आ. आपने तो मेरे मूड का ही हलवा कर दिया. पेट देखा कैसे बाहर निकल रहे. अभी सुबह का खाना हजम नहीं हुआ और आपको हलवा खाने की पड़ी है. मिठाई खाए बगैर आपके गले से कुछ नीचे उतरता नहीं है क्या? अभी तो आपने शादी में 15 गुलाब जामुन खाए थे. वो तो पहले जाकर फ्लश में उतारो, फिर बात करना हलवे की. सॉरी भाभी. अच्छा आप क्या कह रहे थे? पास्ता खाना है आपको, मैं अभी बना के लेके आती हूँ. नहीं बहू, पहले चाय बना लो मेरे लिए कप. जब कोई मुझे चाय के लिए कहता है ना, वो मैं जबरदस्ती, तो मैं चाय में ना थूक सिर देती हूँ. पी लिया आपने? मैं बना के लेके आई. तुम्हारा भाई और उसका फ्रेंड घर पर आ रहा है, कुछ अच्छा सा बना कर रखना.
ठीक है। हाँ जी। Two hours later. आज साला साहब गेट पर कहीं जाने हो? क्या हाल है जी? बढ़िया भाई। बताइए फिर तुम क्या हो भाई? आज चलिए अंदर। चलो जी। ये लो। पहले साला साहब को दियो। अरे हाँ। और पहले क्यों हैं? सशी के पापी। सशी काल। और कैसे हो? बढ़िया। अजय का नागरे पर निकल पाए ना मिल जी। ओ थैंक गॉड तुम लोग आ गए। आपको मैं देती हूँ अभी ये लो भैया आ जाओ। अरे पापी आओ ये ये लो आपके लिए। क्या हुआ अच्छे नहीं बने? भाई नमक ही बहुत इसमें। कितना नमक डाला हुआ है मुझे दिखाओ। ये लो भाई देखो जहर बनी हुई है। बिल्कुल जहर बनी है भाई बिल्कुल। चलो यार छोड़ो उसे हम के एसी में खाना खाकर चलते हैं। चलो भाई। कैसा लगा खाना? अगर नहीं खाना बनाने का मन था ना बनाती। आ जाओ चले। मेरी बहन तो है ही ऐसी इन्हें शुक्र इसमें थूक नहीं डाला। और छोटी बहू कैसा लगा मेरा नमकीन मजाक? तो भाभी ये आपने किया था? हाँ बिल्कुल। अब तक तुम करते ही हो अब मैंने कर दिया इसमें बड़ी बात क्या है? भाभी जो मेरे से दुश्मनी थी अब घर तक रखते। मेरे ब्रदर के फ्रेंड आए थे उसके सामने हमारी बेइज्जती हो गई। जो तू मेरे घर पे बेइज्जती करती है वो? भाभी वो घर तक था। ये बाहर वालों के सामने आपने मेरी बेइज्जती कर दी। मैं तो करूंगी। भाभी स्टॉप दिस ऑल नॉनसेंस। क्या बाहर वालों के सामने क्यों करते हो? घर पे करो जो करना है। शादी ये क्या बोल रही है भाभी को? मैंने कुछ नहीं किया। शाली भाभी को सॉरी बोलो। अभी बोलो सॉरी। मैं क्यों बोलूं? क्यों नहीं बोलोगे? बोलो सॉरी। मैं नहीं बोलने वाली। शाली इस घर में रहने का कोई हक नहीं है जब यहाँ पर प्यार ही नहीं है। चलो हम घर छोड़कर जा रहे हैं। भाभी हम घर छोड़कर जा रहे हैं। घर तो उसे छोड़ना चाहिए तुम क्यों छोड़ के जा रहे हैं? जब यहाँ पर प्यार ही नहीं है घर पर। पर खैर तुम लोगों की अब शादी हो ही चुकी है। हम तुझे बहुत प्यार करते हैं। बचपन से पाल पोस के तुझे बड़ा किया है। इस घर में तुम्हारा बराबर से हिस्सा है तो इस घर की प्रॉपर्टी में भी ना तुम्हारा हम नाम लिखवाएंगे और बराबर का हिस्सा होगा। इस घर का बंटवारा होगा। मम्मी जी से मैं खुद ही बात कर लूंगी। तुम लोग टेंशन मत लो ठीक है। चलो सुनो भाभी। भाभी देखो हमें ना प्रॉपर्टी में कुछ भी नहीं चाहिए। मेरे को तो बस एक चीज चाहिए कि मेरा ना घर में आना जाना बंद ना हो। आपका जेठ जी का मम्मी डैडी का प्यार मिलना बंद ना हो। भाभी बंटवारे के बाद ये सब खुशियां मेरी खुशियां रहेंगी ना? कहीं कुछ बदलेगा तो नहीं ना? मैं दुख सुख में यहाँ पे साथ देने के लिए आ सकती हूँ ना? उसमें तो नहीं मेरा साथ छीनोगे आप? तुम पैकिंग कर रही थी ना? कर लो।
क्या हुआ भाभी, अब क्या कर दिया हमने? अरे नहीं बहू, मेरे तुमसे किटपिट अभी शुरू ही हुई थी, इतनी जल्दी मुझे छोड़ के चली भी जाओगी? हाँ मुझे पता है कि मैं थोड़ी खड़कू हूँ, थोड़ी अनपढ़ हूँ, पर मैं चिंटू से बहुत प्यार करती हूँ ना, ये बच्चों जैसा हमारा, और तुम भी। हाँ छोटी बहू तुम भी। वो मुझे ना लेके जाएगी वो जारा के शोरूम, जारा वो जारा जारा भाभी। हाँ जारा के शोरूम में लेके जाएगी, नहीं कराएगी मेरे को शॉपिंग? हाँ शॉपिंग भाभी, शॉपिंग में ले जाऊंगी मैं।